मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि नहीं, आपकी जो बात है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये बात हम पूरा करेंगे। अगर हमारे मुद्दों की बातचीत वो करते हैं तो हमारे साथ रहे हुए लोग अपने तरीके से फैसला कर सकते हैं उनको क्या करना है। अभी हफ्ता भी नहीं बीता, कांग्रेस की पहली सूची में उचित हिस्सेदारी न मिलने पर हार्दिक के पाटीदार उठा पटक पर उतर आए थे। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि राहुल से हार्दिक की डील क्या हुई। हार्दिक के मुताबिक कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनकी सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस ने पटेल आरक्षण की मांग को मान लिया है और सत्ता में आने पर विधानसभा में गैर आरक्षित समुदाय के लिए विधेयक पेश करेगी ताकि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा किया जा सके। हार्दिक ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाना संभव है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर पटेल समुदाय और बिन आरक्षित वर्ग के लिए ST ST OBC समुदाय को मिली हुई 49% आरक्षण में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, उस आधार पर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो असेंबली के अंदर जल्द से जल्द आर्टिकल 31C के आधार पर संवैधानिक आर्टिकल 46 के प्रावधानों के आधार पर वो बिल विधानसभा में रजू करेंगे, प्रसारित पारित करेंगे। उनके इस बयान पर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने तीखा तंज कसा है। तो मूर्खा हुई दरखास्त पढ़ी मैंने मूर्खा हुई दरखास्त स्वीकारी। मूर्खा हुई दरखास्त अपना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ना